देवली से जितेंद्र प्रतिहार की रिपोर्ट के अनुसार देवली उपखंड के पंचायत समिति देवली के वार्ड नंबर 8 कांग्रेस व बीजेपी के आमने सामने सीधा मुकाबला है, लेकिन चुनावी सरगर्मी में दोनों पार्टी में सीधा टक्कर मानी जा रही है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी से ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, जिसका पति सरकारी कर्मचारी है जो कि स्थानीय स्कूल का BLO है और इसी परिवार से देवीखेड़ा पंचायत की स्कूल में BLO है जो कि क्षेत्र वार्ड नंबर 8 के अधीन आता है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लगता है कि कर्मचारी स्थानीय लोगों को किसी प्रकार से गुमराह कर अपनी पत्नी व कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने के लिए बाध्य करता है। और अब देखना यह है कि प्रशासन कितना जल्दी सख्त कदम उठाती है या नहीं।